हेलो एवरीवन, आज हमारा डे टू है और ऑलरेडी हम लोग अंदर आ चुके हैं एंड हम लोग आज जो है छोटी छोटी नई नई बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें जो है यहाँ पे देखेंगे, उसको व्लॉग करेंगे। सो आप इस पूरे व्लॉग को एंजॉय करिए और डे थ्री भी है कल, तो जो जो लोग नहीं आए हैं वो लोग प्लीज विजिट कीजिए। मुंबई CEIF में ये एग्जीबिशन हो रहा है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, 11th, 12th और 13th of January 2024। पॉसिबल हो तो प्लीज आइएगा, नहीं तो व्लॉग के थ्रू वीडियो को देखिएगा। अभी देखो यहाँ पे जो है वोडोक्स का एक विंटेज फ्लैश आया है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया फ्लैश लगा है कुछ तो जो यूनिक लुक करने के लिए। फिर देखो यहाँ पे उनके मॉनिटर्स आए हैं जो आप अगर गिम्बल्स वगैरह शूट करते हो आप इसको कनेक्ट करके एक प्रॉपर मॉनिटर में देख सकते हो ताकि अच्छे से काम कर पाओ। सो अभी जो है हम लोग हॉलीलैंड के स्टॉल के ऊपर आए हैं और यहाँ पे हमारे साथ हीरो सिंह जी, और ये जो है हमें समझाएंगे कि उनका एक नया प्रोडक्ट आया है, जैसे आपको पता होगा लार्क M2 हॉलीलैंड का ये माइक है। सर इसमें ये कौन सी नई बात है, जैसे हमारे पास ये लार्क M1 था और इसमें अगर आप देखोगे अलग अलग कलर्स है, राइट, पिंक व्हाइट और ये अलग सारे कलर्स बनाए हैं, और ये जो इनका नया वर्जन है इसमें क्या नया आया है? इसमें इसको और ज्यादा कॉम्पैक्ट किया गया है, इसका जो बैटरी बैकअप है 40 आवर्स का कर दिया है, अर्लियर इट वॉज 5 आवर्स का बैकअप था, इसमें इसका बैकअप 40 आवर्स कर दिया गया। और इसमें नॉइस कैंसिलेशन के लिए अभी इस बार दो पॉइंट दिया गया, एक सॉफ्ट है एक हार्ड है, दो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें इस तरीके से, और कॉम्पैक्ट कर दिया गया। जैसे कि आप देखोगे इसको तो ये एक नॉर्मल बटन सेल टाइप कर दिया गया, नॉर्मल बटन। तो ये कैसा रहेगा, मतलब ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा जैसा भी वॉइस हो? देखो ये माइक यहाँ पे लग गया और ये वाला माइक देखिए, ये लार्क M1 है और ये आप देखो ये ऐसे लगता है या फिर ये ऐसे लगेगा, पर अगर आप ये वाला माइक जो दूसरा देखोगे ये बटन की तरह लग जाता है, मुझे बहुत कूल है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है ना। एंड इसमें दो सेम, पर इसका और इसके सिस्टम में लार्क M1 और M2 के सिस्टम में क्या फर्क है? कोई नॉइस कैंसिलेशन में एक फर्क है जिसमें एक हार्ड है एक सॉफ्ट है, लार्क M1 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन दो है, एक हार्ड सॉफ्ट है और एक सॉफ्ट है। यस, वो डीबी में सेटिंग की एनवायरनमेंट नॉइस कैंसिल हो जाता है इसमें। और ये 40 और ये इसका पूरा ऐप है इसमें, अच्छा, इसमें अच्छा, से पूरा हाँ कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कंट्रोल होगा उसका, नॉइस कैंसिलेशन? नॉइस कैंसिलेशन सारे फीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या फीचर्स हैं? बस ये जो आपने लार्क M1 में था ये बट इसका बेसिकली जो है कि इसका बैकअप जो है 40 आवर्स का बैकअप। अच्छा, मतलब अगर आप एक बार चार्ज करते हो तो 40 आवर्स। इसमें भी कंट्रोलर्स हैं, जैसे आप लार्क M1 में देख रहे थे इसमें भी कंट्रोलर्स हैं, सेम कंट्रोलर, पर इसका जो है काफी स्लीक दिया है जॉयस्टिक। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, पर इसका पैसा कितना है? ये 17,000 तक है। 17,000 तक है। Yes. तो यहाँ एग्जीबिशन में 17,000 है या यहाँ पे थोड़ा कम भाव? हम जस्ट लॉन्च किया है इसको तो हम लोग 16,000 में प्रमोट कर रहे हैं। 16,000। अभी जो है ये क्या है? इसके बाद वीडियो वायरलेस डिवाइस है, ये मार्स 400 है, ये 4K है, फिर ये इसका टॉकबैक सिस्टम है वायरलेस। ये जो है लोग लाइव मिक्सर सेटअप में यूज करते हैं, वीडियोग्राफर इसको यूज करते हैं जब उनको एक दूसरे के साथ टीम को कम्युनिकेशन के लिए ये टॉकबैक यूज किया जाता है। और आपके पास ये क्या नया है? ये हमारा PTZ कैमरास है, NDI PTZ। लोग लाइव इवेंट्स में अगर आपको वहाँ पे जाके शूट ना करना हो तो आप इसको जो है मॉनिटर कर सकते हो एक अलग जगह पे बैठ के। राइट, आप यहाँ पर ये जैसा ये मेरा एक प्रोडक्ट है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, योलो बॉक्स करके है, इसमें आप मल्टीपल कैमराज इनपुट देके आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से भी स्ट्रीम कर सकते हो, इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, लोगो टिकर्स भी आप डाल सकते हो। ये यूजुअली लाइव मिक्सर सेटअप जो होता है ना, जैसे भगवत सप्ताह हो गई, इवेंट्स हो गई, या फिर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो गए, या फिर आपको अगर कोई स्क्रीनिंग करनी हो कोई भी इवेंट की, वेडिंग की हो गई, ये सारे को लिए ये सारे लाइव मिक्सर सेटअप्स यूजुअली उसमें यहाँ पे ये इक्विपमेंट काम में आ जाते हैं। सो अभी हमारे साथ देखिए स्टार्टिंग में ही हमारे साथ साजन जी है, इनका जो चैनल है ग्रे इंडिया। आई एम श्योर जो जो लोगों को सिनेमाटोग्राफी में, वेडिंग सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक वीडियोस को इंटरेस्ट से समझना हो, देखना हो, सीखना हो, तो आपको इनके चैनल को और इनके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उनको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू साजन जी, आप यहाँ पे आए हो, यहाँ मुंबई में आपको कैसा लग रहा है आके? बड़ा अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू सो मच, क्योंकि सबसे योगदान इनका है कि मुंबई में बुलाने के लिए मुझे, और सेकंड नंबर पे AIPTI जिन्होंने पूरा ये सेटअप अरेंज किया उनका भी थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं
कर्नाटका, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बहुत लोग मुझे मिले, गुजरात, हाँ मतलब ऑल इंडिया से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं, बेनक्यू है, गोडेक्स, सोनी, कैनन और निकॉन, सारे ब्रांड्स मतलब ए टू जेड यहाँ पे पहुंचे हैं, लाइटिंग को लेके, मोनिटर्स को लेके, कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि आना चाहिए हमें, क्योंकि टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है, क्या नए सिस्टम है, क्या अपडेट्स आ रही हैं। तो आप सब लोग भी यहाँ पे चलो, जो नहीं है आप आए यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम आप जरूर आइएगा, और हमारे दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया तो कर लो फिर जल्दी। थैंक यू सो मच मानसी जी। तो अभी जो हम लोग इजी पीजी के स्टॉल पे आए हैं, यहाँ पर जो है, जैसे इनका नाम है इजी पीजी, वैसे ही जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो है चीज़ें बनाई हैं जो अगर आप बेबी शूट करते हो तो उसके लिए, न्यू बॉर्न शूट के लिए काफ़ी काम का होता है। तो अभी हमारे साथ है शैलेश जी। शैलेश जी, मुझे बताइए कि आपके पास कौन सी चीज़ें हैं जो न्यू बॉर्न फोटोग्राफी में बहुत काम में आएगी। सर, मैडम, हमने ये रेडी टू वेयर रैप बनाया हुआ है, ये ऐसा इंडिया में फर्स्ट टाइम है। अच्छा, जो फोटोग्राफर दिक्कत आती है रैप करने के लिए, हाँ मतलब यूजुअली यही होता है कि न्यूबॉर्न का रैपिंग करने में बहुत तकलीफ होती है, हाँ। तो उसका सॉल्यूशन हम लाए, 5 मिनट में बेबी रेडी हो जाती है, 5 मिनट में, 5 मिनट बेबी रेडी हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक डॉल है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें एक बेबी को रेडी करना है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, पर 5 मिनट में अभी ये बेबी, मतलब ये जो डॉल है ना, वो वही वेट की है जो वेट का हमारा एक्चुअल बेबी रहता है, ठीक है, वैसा ही पूरा ये डॉल बनाया गया है। ये डॉल भी मिलेगा ना आपके वहाँ? नहीं, डॉल नहीं मिलेगा, डॉल नहीं मिलेगा, ये तो हमारे डेमो के लिए। अच्छा, तो अभी ये बेबी अगर सपोज की ऐसी बैठी है तो आप उसको कैसे 5 मिनट में रैप करोगे? सबसे पहले हमारा इनसाइडर आता है, इसमें बच्चे की मुंडी डाल के इसके हाथ पांव हमको कवर करना है। ओके, ये बेबी हमारा कवर हो गया, कवर हो गया। इसके बाद में अपर साइड हमारा आता है, हाँ हाँ, जिसका एक गले का भाग कटा हुआ रहता है, ये सिर्फ उस पर रखना ही है। अच्छा, हाँ। उसके बाद में हमारी रैपर रिंग आती है, ओके। उसका भी जॉइंट पीछे जाता है, हाँ। वाह, ये आप देख रहे हो बच्चा पूरा रेडी हो गया, और ऐसा लगता है जैसे ये फूल वूल सब हम लोग ने बनाया है, पर एक्चुअली ये रेडीमेड हो गया। लड़के के लिए कैप आती है, लड़की के लिए बो आती है, ये पूरा सेट में आता है, ये पहना दिया, हमारा बेबी रेडी हो गया। वाव, वेरी नाइस। तो ये है कि अगर आप फोटोग्राफी, इसमें अलग अलग पैटर्न्स भी रहेगी, अलग अलग हमारे पास अभी 20 पैटर्न है। अच्छा, ये जैसे हमारे ब्रोशर है, इसमें ये एक तो हमारा उनकी स्टार्टिंग में जो ये फूल वाला है, ठीक है, जो अभी उन्होंने पहनाया है, इसमें कितने कलर्स आपके पास है? अभी 19 कलर है हमारे पास इसमें, और 19 कलर्स मिलेंगे। और ये वाला देखिए, ये ऐसी बोट आई है हमारी, अलग अलग प्रोजेक्ट से नॉट 3 है, तो ये 1300 रुपए का मिलेगा। हाँ, ये 1300 रुपए का मिलेगा पूरा। कितने का मिलेगा ये? 1600 रुपए का है, 1600 रुपए। अलग अलग वेरिएशन ऑफ प्राइस, वेरिएशन ऑफ डिजाइन, आप देखिए अलग अलग जो है वेरिएशन इसमें कलर्स का किया गया है। ये देखो इस टाइप का है, यहाँ पे बटन वाला बनाया है, ये वाला जो है 4 स्ट्रिंग्स वाला है, फिर यहाँ पे 3 स्ट्रिंग वाला है पैटर्न वाला, ऐसे करके जो है अलग अलग उन्होंने बनाई है। ऑलमोस्ट सारी जो है 2000 के अंदर ही है, 2000 के अंदर, 2000 के अंदर सारी। देखो एक मैडम हमारी, एक दो पैटर्न, एक ये पैटर्न है, ये हमारी ये वाली है, क्रिस क्रॉस बहुत ही सुंदर दिखती है, कि क्रिस क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट हमने इजी कर दिया है। अच्छा, क्योंकि आपका नाम इजी पीजी है ना, नाम इजी पीजी है। ओके, और यहाँ पे देखिए ये वाला अच्छा है, चिकन का जो ये रॉयल रॉयल लुक के लिए, रॉयल लुक के लिए बेबी को। दूसरे के प्रोडक्ट हमारे बैरल रैप है, जिसमें बच्चे को फ्रॉग वाली स्टाइल करानी हो, ऐप पर बार रखना हो, उसके लिए मतलब आधा, मतलब डायरेक्ट, मतलब अंदर का ब्लैक रैपर नहीं पहनने का, ब्लैक रैपर नहीं आता है, डायरेक्ट पहना देना। फिर हमारे एक ये प्रोडक्ट है ट्रेस नूडो, क्या नोट है ट्रेस नूडो उसका नाम है। अच्छा, ये 3 वाला है, ये 3 नोट वाला है। अच्छा, आप देख सकते हो कि इनके पास बहुत सारी ऐसी वैरायटी है, इतने सारे कलर हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, नाइस नाइस। अगर आप देखो यहाँ पे इनके पास बहुत सारी जो है ऐसी सारी चीजें हैं, अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो तो ऐसे कुछ ले लो प्रोडक्ट्स, और आपका जो है बच्चे को अगर इजीली रैप करना है तो आप इनके पास जा सकते हो। इनका जो नाम नंबर है आप स्क्रीन पे देख। सो अभी जो है अगर आप जो है मैटरनिटी शूट करते हो या प्री वेडिंग शूट करते हो, आपको पता होगा कि गाउन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है लड़कियों को, तो यहाँ पे गाउन रेंट पे मिलते हैं, सेल पे मिलते हैं। तो ये एक गाउन कितने का, क्या एवरेज है गाउन का? 6000 रुपए का एवरेज गाउन रहेगा आपका। और आपके वहाँ पे सिर्फ मैटरनिटी का मिलता है या प्री वेडिंग शूट का?
प्री वेडिंग वगैरह। और ये क्या है, केप से ऊपर की? सो आप देखिए यहाँ पे अलग अलग पैटर्न जो रहते हैं, जो फ्रील वाला पैटर्न रहेगा या नीचे जो पूरा आपको ट्रेल चाहिए रहता है तो ट्रेल वाला भी पैटर्न वाला यहाँ पे है। यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स है। एंड अगर आप जो है ऑफ शोल्डर पहनते हो, ऑफ शोल्डर मतलब ऊपर का स्लीव नहीं रहता, यहाँ से ही रहता है, उसके ऊपर केप्स के लिए भी यहाँ पे केप्स बनाई है। एज यू कैन सी कि आज हमारे साथ मनीष जी है और आपने इनका चैनल तो फॉलो किया होगा, मनीष सक्सेना करके इनका एक चैनल है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी का नॉलेज शेयर करते हैं और आज ये यहाँ पे आए। हाउ डू यू फील एंड हाउ डू यू थिंक कि सभी लोगों को भी ये अटेंड करना चाहिए? इट फील्स ग्रेट एक्चुअली, इट्स अ फेस्टिवल, क्राउड भी काफ़ी अच्छा है। एंड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट मानसी। मानसी ने सब मेरा बैजिंग वैजिंग सब, मैं थोड़ा लेट हो गया, कल आ नहीं पाया था, सो थैंक यू सो मच मानसी। एंड इट्स रियली इट फील्स ग्रेट बिकॉज हमारी जो कम्युनिटी है इस बहाने सब लोग का मिलना होता है एंड चाहे को मिलता है। हाँ, चाहे हमारे फैंस हैं या जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, वेदर दे आर डूइंग वीडियोस और फोटोज, एक एंटायर इंफॉर्मेशन जो है आपको एक प्लेस पे मिलता है, ट्राई एंड टेस्ट करने अपना कैमरा गिम्बल सब कुछ आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। एटलीस्ट हम लोग को पता चलता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इंडस्ट्री। सभी लोगों को ऐसे एग्जीबिशन में आना चाहिए, आप लोग सब लोग सीखोगे यहाँ पे आके। आप लोग अगर मुंबई के आसपास हैं, महाराष्ट्र में हैं या इवन दूर से भी हैं, स्टिल देयर इज वन डे टू गो, यहाँ पर आइए एंड आई बिलीव आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, गियर्स के बारे में वर्कशॉप्स हैं यहाँ पर और बहुत सारे हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो यू कैन मीट देम एंड यहाँ पर आपको जिस भी तरह के गियर्स चाहिए सब यहाँ पर आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड। इवन आपको कुछ नहीं भी लेना है तो भी आप यहाँ पर आइए ज़रूर, नॉलेज बढ़ाने से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। सो अभी जो है हमारे पास यहाँ पे गोडोक्स का ये बैकग्राउंड, अगर आप इसका मटेरियल देखोगे तो ये बहुत अच्छा है। द रीज़न मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ क्योंकि ये एक तो स्टिफ है, तो अगर हम लोग को चाहिए कि अलग अलग जो कैनवास बैकग्राउंड रहता है ना हमको लगाने पड़ते हैं शादी में जाके और ये ऐसा खोल के लगा देने का, तो जितने भी हमारे पास जो भी बैकग्राउंड रहेंगे, जो भी आपको बैकग्राउंड पसंद आता है शादी के रिलेटेड, वो आप वहाँ पे लेके जाओ, खोल के रख दो, हमारा काम जैसे होता था बंद करके निकल गए। काफ़ी बार शादियों में अच्छे बैकग्राउंड नहीं होते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम बाहर आउटडोर में कपल को लेके जाए, तो ऐसे सारे बैकग्राउंड बहुत काम में आते हैं और ये काफ़ी रीजनेबल भी है, मेरे ख्याल से 2-4 हज़ार के अंदर ही आते हैं। सो अभी जो हम लोग मोबियस के स्टॉल पे आए हैं, आप देखिए उन्होंने एक यहाँ पे एक सैंपल कैमरा रखा है कैनन का और यहाँ पे आप जो है उसको ऐसा कवर, कपड़े का कवर ऐसे बना सकते हो और ये कपड़ा जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, यहाँ देखो। एंड यहाँ पे उनके पास अलग अलग जैकेट्स है, तो अगर आप अगर नॉर्मल कपड़े में भी अगर जाते हो प्री वेडिंग शूट या वेडिंग शूट करने, उसके ऊपर ये पहन लेने का, ताकि अभी आपका कैमरा बैटरी कार्ड अगर असिस्टेंट नहीं है तो भी आप इसके अंदर रख सकते हो, असिस्टेंट को पहना दे। सो अब तो है हम लोग ज़्यादातर डिजिटल में आ चुके हैं, सब लोग डिजिटल में आ चुके हैं, पर फिर भी काफ़ी लोगों की इच्छा होती है कि हम नेगेटिव फिल्म बेस्ड का कैमराज यूज़ करें। तो देखो यहाँ पे अभी भी उनके पास एक फिल्म बेस्ड कैमरा है, किस कितने का है, 3,500 का, 3,500 का है और इसमें जो है आपको ये रील्स भी मिलती है, प्लस ये सिंगल यूज है, इसके अंदर फिल्म इनबिल्ट है। अच्छा, ये क्या है, क्या समझी नहीं मैं, मतलब इसके अंदर सिंगल यूज कैमरा है, जब आपको आप इसको यूज करेंगे 27 एक्सपोजर है, हाँ। जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको कैमरा आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये कैमरा है इसके अंदर, ये कैमरा है। अच्छा, ऐसा ही कैमरा, ऐसा कैमरा, ये वाला रीयूजेबल है और अच्छा, ये सिंगल यूज है। अच्छा, तो फिर इसके अंदर ही हो गया और उसके अंदर से प्रिंट, पर ये अभी प्रॉब्लम ये है कि प्रिंट धोएंगे कहाँ इसको, होता है यहाँ पर कोलो वाले हैं वो करते हैं। अच्छा, कोलो वालों के पास जाओ, ये वो नेगेटिव का जमाना का एक इंटरेस्टिंग चीज आप लेके आए हो, नाइस। और ये कि फिर कितने का पड़ता है, ये 17 का एमआरपी है, नहीं 2,000 रुपए। तो जिनको भी अगर बहुत भी इंटरेस्ट है फिल्म बेस्ड कैमरा यूज करना वो कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। अभी जो हम लोग एंजल बर्ड के स्टॉल पे आए हैं, पार्थ जो है मुझे कह रहा था कि इनके जो है एसडी कार्ड अभी नए हैं मार्केट में और कुछ नया है तो समझ लेते हैं इनके पास से। सो सर प्लीज समझाइए कि एंजल बर्ड तो वैसे हम लोग यूजुअली सैंडिस्क वगैरह यूज करते हैं, लेक्सर यूज करेंगे, पर ये वाली ब्रांड अभी नहीं है, तो इसमें क्या नया है जो लोगों को अच्छा पड़े? एंजल बर्ड में क्या है, दे है ये लोग प्रीमियम रेंज लेके आए हैं कार्ड में, इनके कार्ड्स आर मोर टफर देन अदर, सब उन लोगों से ज़्यादा टफ है दूसरे ब्रांड से। टफ मतलब कैसे टफ? इन स्पीड वाइज दे आर बहुत अच्छे हैं, तेज हैं, स्पीड वाइज तेज हैं। अगर आपकी स्पीड क्या मिलती है आपकी इसमें? अलग अलग है, किसी किसी में 1,000 है, 1,000 का राइटिंग स्पीड है, राइटिंग स्पीड, रीड एंड राइट बोथ, इट डिपेंड, 300-280 से स्टार्ट होता है। और अगर राइटिंग स्पीड इतना है तो कितने जीबी में है वो? That वो 1 GB में, 1 TB, sorry 1 TB, 1 TB, 1 TB के कार्ड है आपके पास? 1 TB भी है हमारे पास। अच्छा,
और भी है हमारे पास सोनी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड टाइप ए है अच्छा। जो एंजल बर्ड बनाते हैं और चाहे सोनी बनाता है और कोई नहीं बनाता वन टीवी हाँ। डेडिकेटेड सी एफ कार्ड आता है ए टाइप उसको बोलते हैं और ये प्रीमियम सेगमेंट है कार्ड का इनका फिनिशिंग से लेके एवरीथिंग दे आर बहुत बढ़िया ऐसा तो आप देखिए यहाँ पे उनके पास अलग अलग प्रकार के कार्ड्स हैं एंजल बर्ड के और सर पर प्राइसिंग रेंज कैसे रहेगा फिर वो भी प्रीमियम रहेगा ना थोड़ा प्रीमियम है प्राइसिंग रेंज में बट जो लोग हैं एंजल बर्ड लवर्स आते हैं यूजुअली क्या है कि अगर आप एक कार्ड लेते हो सबसे बड़ा डर ये रहता है कि वो करप्ट हो जाएगा या इसीलिए कोई भी इंसान ना ज्यादा पैसा भी डाल देगा है ना कोई भी इंसान ज्यादा पैसा क्यों डालेगा राइटिंग रीडिंग तो चलो अगर आप रॉ पे शूट करते हो या सी लॉग में वगैरह पे हाई फाइल साइज में शूट करते हो ऐसे शूट करने वाले लोग भी कम हैं बहुत ही छोटी मार्केट है उसकी पर ज्यादातर लोग कार्ड इसलिए लेते हैं ताकि उनका जो है कुछ करप्ट ना हो जाए अगर 5 साल भी यूज करते तो ऐसा ना हो कि 5वें साल में कुछ गलत हो गया तो उसमें कुछ ऐसा वारंटी गारंटी या कोई वारंटी तो है 3 साल का वारंटी है और अगर कार्ड करप्ट होता है तो एंजल बर्ड ही एक ऐसी कंपनी है जो आपको 80% डाटा रिकवरी करके देती है आप खुद रिकवर करके देते हो एंजल बर्ड ही करेगी सॉफ्टवेयर विल सेंड इट टू एंजल बर्ड को हम लोग भेजेंगे वहां से रिकवर होकर डाटा आएगा 80% डाटा रिकवर हो सकता है हर बार होता है हर बार वो टूटा ना हो बहुत चांसेस कम हो कोई करप्शन नहीं पड़ा जैसे कि कैमरा से बाहर निकला और फाइल तो उसमें डाटा रिकवर हो तो फॉर यस वी कैन अपग्रेड द कॉर्ड फर्मवेयर इटसेल्फ यूजुअली वी विल अपग्रेड फॉर कैमरास ओके फॉर मेमोरी कार्ड इटसेल्फ वी कैन अपग्रेड फर्मवेयर अच्छा तो आप जो है जैसे आपके कैमरास को अपडेट करते हो फर्मवेयर अपडेट करते हो वैसे आप अपने कार्ड को भी अपडेट कर सकते हो इसका जो फर्मवेयर अपडेट है वो उनकी वेबसाइट से आपको मिलेगा No, from home itself, customer can do the firmware. Yeah, it's a free tool. It's a free tool. Free tool. Available on the website. So, what will be the firmware update? मतलब क्या update होगा? It will improve the performance of the card. Like driving speed. Where it will corruption will happen na? That will avoid. Corrupt card नहीं होगा. नहीं होगा. Okay, ठीक है. And then user can buy. Usually लोगों का यही रहता है कि 256 GB का कार्ड रहेगा एक एवरेज फोटोग्राफर सिनेमाटोग्राफर सबसे पहले 256 GB कार्ड को जो है प्रेफर करता है तो वो कितने का पड़ता है प्राइसिंग 256 GB का क्या होगा 3000 रुपए का 20,000 रुपए हाई स्पीड और V60 V60 64 is 256 GB ये वाला this is V90 और V60 में क्या फर्क है speed and one more thing ma'am here website is there customer can go to the website they can select the brand what camera they want to use for example Canon R6 Mark II it's a very user friendly to select which camera तो कैमरा सिलेक्ट करने के बाद क्या फर्क पड़ेगा कंपैटिबल है कि नहीं कंपैटिबल व्हिच कैमरा कार्ड व्हिच कार्ड यू वी विल यू कैन अगर हम सही कार्ड सही कैमरे साथ ले ले तो करप्शन फॉर एग्जांपल सी सर्च तो यूजुअली ये होता है कि हमें ये नहीं पता हम लोग कार्ड तो खरीद लेते हैं पर हमारे कैमरा के साथ कंपैटिबल नहीं होता इनकी वेबसाइट पर जाके आपको कैमरा का नाम लिखना है और आपको क्या कौन सा आपकी कैमरा की कंपनी है वो लिखना है जैसे ही लिखते हो आपको जो पता चल जाता है कि कौन से कार्ड आपके कैमरा के साथ कंपैटिबल है तो अगर आप आपके फ्रीलांसर्स को भी कार्ड देते हो तो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ लाइक व्हिच कार्ड इट विल सपोर्ट इधर एसटी कार्ड और सीएफ एक्सप्रेस इट विल शो क्लियरली अभी हम लोग यहाँ पे ताहा फ्रेम्स में आए हैं मुझे यहाँ की जो आप प्रिंटिंग क्वालिटी देखिए ये वाली फोटो की स्पेशली कि जिस हिसाब से क्वालिटी है ग्लॉस टी बॉक्स का बहुत ही अच्छा है एकदम नेचुरल और कितना रियल लग रहा है ऐसा लग रहा है हम लोग कोई टीवी में देख रहे हैं तो काफी मुझे कोई इंटरेस्टिंग लगा इवन ये वाला फोटो भी अगर आप देखोगे तो इसका क्वालिटी भी कितना अच्छा है पिक्चर होने के बावजूद ये इसके अंदर तो बैकलाइट डाला हुआ है तो बैकलाइट की वजह से और भी ज्यादा रियल लग रहा है रियलिस्टिक क्यों है मतलब इसका जो कलर्स है ये वाली फ्रेम का इतना रियलिस्टिक यूजुअली फ्रेम्स में नहीं होता है ना हाँ नहीं लग रहा है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ क्यों लग रहा है एक्रेलिक ग्लास में शूट ये एक्रेलिक ग्लास है नहीं पर ऐसा प्रिंटिंग कैसे आता है ये कलर क्यों ऐसा आ रहा है मतलब ऐसे कलर्स कैसे हाँ एक्रेलिक की वजह से या कोई प्रिंटिंग आप ऐसे यूज करते हो हाँ अच्छा
बिल्डिंग दोनों का एक ही जगह होता है लेकिन इसका इफेक्ट ज्यादा है। ये एक्रेलिक प्रिंट है इसके वजह से इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। लोग ज्यून के स्टॉल के ऊपर आए हैं, जो भी लोग ज्यून के गिम्बल्स यूज करते हैं उनके पास अलग अलग जो है रेंज है ज्यून के गिम्बल्स की। आई गेस ब्रॉडकास्ट का जो यूट्यूब वीडियो था एग्जीबिशन का उसमें हम लोग ने ये सारे गिम्बल्स को कवर किया था कि वो हर एक नए गिम्बल में क्या क्या आया है। सो आप जब कोई भी गिम्बल यूज करते हो ठीक है कोई भी कैमरा के लिए अलग अलग यहाँ पे जो है गिम्बल्स रखे गए हैं एंड यहाँ पे उन्होंने अभी नई नई लाइट्स भी लॉन्च की है जो छोटी ज्यून की लाइट्स होगी वो लॉन्च किए हैं एंड दैट्स इट। और अलग अलग जो अपना ये रहेगा कि सॉफ्ट डिफ्यूजर्स रहेंगे जैसे लैंटन वगैरह रहेगा वो सब यहाँ पे अहमदाबाद के एग्जीबिशन में और ब्रॉडकास्ट के एग्जीबिशन में हम लोग ने इनके ऊपर जो है थोड़ा सा व्लॉग लिया था एंड इनके फॉग मशीन वगैरह के ऊपर। सो आप प्लीज़ उसे चेकआउट करिए। सो अभी जो है यहाँ पे अलग अलग जो आपको बैग्स चाहिए रहती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी है पर यहाँ पे जो है थोड़े रीजनेबल ब्रांड्स में आ जाता है। ये आप अगर ये बैग देखोगे तो ये सिर्फ 1700 रुपये का है, ये भी अच्छा है ठीक है। इसके अंदर जो है आप क्या क्या डाल सकते हो देखते हैं। यहाँ पे देखो एक तो हम लोग ना हमको एक लैपटॉप का यहाँ पे थोड़ा सा मिल जाता है, आईपैड वगैरह छोटा सा रखने के लिए। फिर जो है यहाँ पे कैमरा लेंसेज वगैरह सब कुछ आ जाता है एंड इसका फिर वारंटी या गारंटी ऐसा कुछ है? एक साल का वारंटी है। और कितना टिकेगा, ये वाटरप्रूफ रहेगा या कैसे रहेगा? वाटरप्रूफ मटेरियल वाटरप्रूफ है। हाँ इसका हमारा खुद का ब्रांड है। हाँ ये आपका खुद का ब्रांड है ठीक है ओके। और कौन सा रेंज में आएगा? इससे बड़ा चाहिए रहेगा तो क्योंकि इसमें सिर्फ कैमरा का कैम कॉर्डर का डालने का रहेगा तो 2200 रुपये। यूजुअली बड़ी कोई ब्रांड लेंगे तो 10-15 हज़ार का होता है, ये हम लोग को 2500 के अंदर मिल जाएगा। ये 3500। अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके कार्ड वगैरह सब रखने के लिए भी जगह है। फिर यहाँ पे और बड़ा जगह मिल जाता है तो अगर आपके बड़े बड़े लेंसेज वगैरह है वो भी आ जाएगा। पर कैम कॉर्डर रखने का रहेगा तो अगर कोई वीडियो का बड़ा कैमरा रख रहा है उसके लिए फिर वो वाला ये वाला वो फिर कितने का पड़ेगा क्योंकि उसमें तीन अलग और क्या पॉकेट्स दिया है। 3500 का पड़ेगा। अच्छा आपका कार्ड दिखाओ। हाँ ठीक है आपको देखो कार्ड दिखाया है तो अगर आपको बजट वाला देखा ना बजट वाला आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक दूसरा तीसरा तीन। अच्छा बिग स्टफ इनका ब्रांड है, इसमें आपको एक साल का वारंटी भी मिलेगा और दो हैंडल है तो आप दोनों जगह से पकड़ पाओगे। ये कैम कॉर्डर रहेगा या कितना भी बड़ा कैमरा रहेगा और कितना भी सारा लेंसेज रहेगा सब कुछ इसमें आ जाएगा। अच्छा ये खुल के देखो जैसा चाहिए वैसा बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो सो यहाँ पर जो है आप देखिए स्किन्स मिल रहे हैं, मतलब कैमरा की कंप्यूटर अलग अलग जो है यहाँ पे स्किन्स मिल रही है तो ये स्किन्स अवेलेबल है। सो अभी जो है हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशन में एक पूरा का पूरा एक स्टॉल देख रहे हैं जहाँ पे विंटेज कैमराज रखे हैं, मतलब जाइज आइकॉन कॉन्ट्रास्ट और असाही पैंटैक्स MX विथ ऑक्सिलरी ऑटो विंडर, ये जो बहुत पुराने ज़माने के कैमराज थे ना वो सारे यहाँ पे उन्होंने रखे हैं। ये देखो फुल फ्रेम कैमरा जो पुराने ज़माने का था वो यहाँ बीच में रखा है, कॉनिका का जूस का जो भी सारे बहुत पुराने पुराने कैमराज का यहाँ पे पूरा डिस्प्ले रखा है। तो अभी जो हम लोग ब्लैक मैजिक के स्टॉल के ऊपर आया है यहाँ पे एक स्विचर है और स्विचर का मतलब होता है कि अगर आप 3-4 लाइव के एंगल्स शादी में लगाते हो या कोई इवेंट में लगाते हो तो उनको मिक्सिंग करने के लिए अगर 4 एंगल को आपको एक साथ मिक्स करना है उसके लिए अगर आपको जो है एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम लोग मिक्सर सेटअप बोलते हैं और ये जो मिक्सर सेटअप है उसके ऊपर यहाँ पे उनके पास वेरियंट्स है। अभी देखते हैं कि वो क्या है। हाय हाय तो आप मुझे बताइए ये स्विचर आपके पास कौन सा नया आया है? हाँ अभी ब्लैक मैजिक में जो है वो रेंज ऑफ स्विचर है जिसकी कॉस्ट 27,000 से स्टार्ट है अप टू 4 लाख 8 लाख तक का उसका स्विचर है। बट अभी जो वीडियो इंडस्ट्री के लिए जो नया स्विचर चाहिए उसमें अभी हमारे पास यहाँ डेमो यूनिट नहीं है बट लेकिन ये 4K का जो 8 चैनल का 12G का स्विचर है जिसमें आपको 8 12G इनपुट मिलते हैं और 10-11 SDI आउट है इसमें, जिसमें हमने क्या किया है कि लोगों को अलग से रिकॉर्डर लगाना पड़ता है, स्ट्रीमिंग के लिए अलग डिवाइस लगाना पड़ता है, जबकि इसमें हमने बिल्ट इन रिकॉर्डिंग भी इसमें कर सकते हैं, बिल्ट इन 2 TB का हार्ड ड्राइव अंदर दिया हुआ है और अलग से स्ट्रीमिंग डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है। ये काम कैसे करेगा? ये ऐसे आपको ये नहीं, ये डायरेक्ट कीबोर्ड ही है आपको, मतलब कैसे, हाँ, ऐसा रहेगा वो? हाँ डायरेक्ट दिखाइए एक बार।
ये स्विचर ऐसा रहता है, ये स्विचर है बट वो थोड़ा प्रोफेशनल है, ये बड़ा वो बड़ा रहेगा। ये वाला कितने का पड़ता है? ये वाला जो है 94 का है, प्लस जीएसटी है। अच्छा, और इसमें कितने एंगल मिक्सिंग होता है? इसमें 8 इनपुट है। हाँ, और ये सारे इफेक्ट्स कितनी रहेगी इसमें? बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इफेक्ट्स की, जैसे कट है, वाइप है, डिसॉल है, मिक्स इफेक्ट्स है, पीआईपी है, प्लस सुपर सोर्स है। जैसे कि हमको कोई इवेंट में एक साथ में 4 कैमरे दिखाना है तो वो भी इसमें हम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मॉनिटर लेके जाना पड़ेगा अपना खुद? हाँ, मतलब जैसे कि अभी ये 8 कैमरा इनपुट वाला है, तो अगर 8 कैमरा देखना है यूजर को, ऑपरेटर को, तो उसमें 8 कैमरे के प्रीव्यू हम यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, तो पर वो ये जरूरी है मॉनिटर या आईपैड या ऐसे किसी में भी कनेक्ट हो जाएगा? आईपैड वगैरह भी लगा सकते हैं उसके लिए, बट वो कनेक्टिविटी वो फिर कन्वर्टर लगा के उसको करना पड़ेगा, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लंबा प्रोसेस होगा। बट शॉर्टकट है कि मॉनिटर सबके पास अवेलेबल होता है इजी, तो वो मॉनिटर में कोई भी मॉनिटर में उसको मल्टी कैमरा का ले लो प्रीव्यू देख सकता है। मतलब जैसे ही हम लोग वहां पे इसको कनेक्ट करते हैं, सारे इनपुट डालते हैं, तो डायरेक्ट हाँ 8 कैमरे के 8 प्रीव्यू दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप जो है ना 8 एंगल अलग अलग रहते हैं, आप 8 अगर कैमरा यूज करते हो या 2 कैमरा यूज करते हो, आप इसके अंदर डालिए और यहाँ से जो है आप स्विच कर सकते हो और आपका यहाँ पे 8 एंगल दिखेगा और जो फाइनल आउटपुट होगा वो यहाँ पे दिखेगा, पहले उसका प्रीव्यू वहाँ पे दिखेगा। ऐसे करके मिक्सिंग करके आप जो है क्लाइंट को मिक्सर सेटअप का सर्विस दे सकते हो। लोअर एंड वाले भी है, मतलब जो कम बजट वाले है, ये 90,000 हाँ, ये जैसे 8 चैनल का है, वैसे ये 4 चैनल के भी मॉडल है इसमें। 4 चैनल कितने का? 4 चैनल जो है 27,900 से स्टार्ट हो रहा है, काफी रीजनेबल है, मतलब 27,000 के अंदर जो है आप काम अपना लाइव स्ट्रीमिंग का काम विद मल्टी कैमरा भी करता है, लाइव स्ट्रीमिंग भी करता है, प्लस बिल्ट इन उसमें रिकॉर्डिंग फीचर्स दिया है, तो आप यहाँ पे टाइप सी हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो डायरेक्ट हार्ड ड्राइव में आपका रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, तो मतलब ये ऑल इन वन है, इसमें आपका सारा काम हो रहा है।